आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इमरान खान ऊपरी तौर पर जो भी दिखावा करें, लेकिन महंगाई के मसले पर उनकी नाकामी के खिलाफ पाकिस्तान में गुस्सा है। पाकिस्तान में इससे पहले 1958, 1969, 1977 और 1999 में सेना प्रमुखों ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था। अब फिर पाकिस्तान में वैसे ही हालात हैं। बिजनेस लीडर की एक बड़ी बैठक को सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने संबोधित किया। इससे समझ लेना चाहिए इमरान खान के हाथ से चीजें फिसलती जा रही हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान इस महत्वपूर्ण बैठक से क्यों नदारद रहे, इसका जवाब पाकिस्तान की अवाम सरकार से मांग रही है, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की 111वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की मदद से अयूब खान ने 1958 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को पद से हटा दिया था। इसके 21 साल बाद जिया उल हक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए कहा जाता है कि उसे सेना का समर्थन हासिल है। इमरान खान के पीएम की कुर्सी तक पहुंचने में सेना की अहम भूमिका रही है, लेकिन भारत में मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान कुछ नहीं कर सके। उन्होंने दुनिया से गुहार लगाई, लेकिन कोई समर्थन उन्हें नहीं मिला। इमरान खान ने बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, जिसमें भी वे परमाणु हमले की धमकी देकर आए, लेकिन किसी देश ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। माना जा रहा है पाकिस्तान अपना इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है। वायुसेना के इस प्रमोशनल वीडियो को जारी करने के बाद वायुसेना चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि पिछले एक साल में वायुसेना ने कई अहम मुकाम हासिल किए हैं, जिसमें 26 फरवरी की वो एयर स्ट्राइक भी है जिसमें बालाकोट में स्थित आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया था। उन्होंने इसके अलावा रूस से खरीदे जा रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर कहा कि इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। इसी साल पुलवामा में हुई आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और इसके बाद आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर काफी तनाव रहा था और पाक ने भी भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इस कोशिश को भी वायुसेना ने नाकाम किया था और MiG-21 बायसन में सवार होकर विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। कमलनाथ को सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के नाते दिल्ली के तुगलक रोड पर बंगला मिला हुआ था। अब जब कमलनाथ सांसद भी नहीं रहे तो उन्हें बंगला खाली करना पड़ा है। कमलनाथ का यह एक नंबर का बंगला दिल्ली के तुगलक रोड पर था। बतौर छिंदवाड़ा सांसद 1998 में यह बंगला उन्हें मिला था। बाद में वह इसी बंगले में रहते हुए केंद्र में मंत्री भी बने। वह इसी बंगले से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, तब भी वह उसी बंगले में रहे। दो दशकों के बीच यह बंगला कमलनाथ की पहचान बन गया था। लोग इसे उनके स्थायी ठिकाने के रूप में जानने लगे थे। यह बंगला उनके जीवन के कई सारे उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने और छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद ही यह तय हो गया था कि अब यह बंगला ज्यादा दिन उनके पास नहीं रहेगा। हालांकि अब तक वह इसे अपने पास रखे हुए थे, लेकिन गुरुवार को उन्होंने इसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया। वहीं मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश भवन में शिफ्ट होते ही भवन में हलचल बढ़ गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दौरान भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग भी की है। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लोकसभा चुनाव में हार के बाद सालों पुराने अपने बंगले को खाली कर दिया था। पटवारियों की हड़ताल को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि पटवारी जनता और सरकार के बीच की कड़ी है। इस मामले में जीतू पटवारी ने माफी मांग ली है। जीतू पटवारी के पास कुछ शिकायतें आई थी, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने यह बयान दिया था और उन्होंने सभी पटवारियों को बेईमान नहीं कहा था। पटवारी हड़ताल छोड़कर अपने कार्य पर जाएं, जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो। दिग्विजय सिंह के राजस्व विभाग पर दिए बयान को लेकर शर्मा ने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। जो जीतू पटवारी जी हैं, उनने इस मामले में क्लियर कर दिया है, कह चुके हैं दो तीन बार कि एक आध दो जगह जो उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी थी जिसमें पटवारी दोषी थे, तो उन्होंने उस बात को कहा है और ये कह दिया कि मेरा कोई सभी पटवारियों से का तात्पर्य नहीं था।
हनी ट्रैप मामले को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि एसआईटी के चीफ डीजी रैंक के अधिकारी हैं, जिससे जांच सही दिशा में जाएगी और निष्पक्ष जांच होगी। एसआईटी को और मजबूत किया गया है। शर्मा ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। शर्मा ने कहा कि यह एसआईटी है, सीबीआई नहीं, जो सबको व्यापम जैसे क्लीन चिट दे दे। हनी ट्रैप की जांच कर रही एसआईटी में बार बार किए जा रहे बदलाव के बाद यह चर्चा है कि कमलनाथ सरकार इस मामले में कुछ लोगों को बचाना चाहती है। इस बीच कांग्रेस से जुड़े रहे अमित सोनी मीडिया के सामने आए। अमित की पत्नी बरखा भी हनी ट्रैप मामले में 5 महिला आरोपियों में से एक है। कांग्रेस से जुड़े रहे अमित सोनी ने पुलिस की प्रारंभिक कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि पुलिस ने उनके घर पर बिना महिला पुलिस के मां और पत्नी की उपस्थिति में तलाश की, उनका मोबाइल जब्त कर लिया, जो आज तक नहीं मिला है, ना ही जब्ती में दिखाया गया है। हनी ट्रैप मामले में आरोपी बरखा कांग्रेस से जुड़ी थी। घटना के बाद लोगों ने कांग्रेस संगठन में रहे बरखा के पति अमित सोनी से दोस्ती तोड़ना शुरू कर दी थी। जैसा कि बरखा का नाम सामने आया था, उसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें अनफ्रेंड कर दिया था। महिला कांग्रेस में जुड़ी, किसके करीब थी, किसी नेता के? नहीं, देखिए, बरखा महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष जी से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस ने फरवरी में अमित सोनी को आईटी सेल व सोशल मीडिया सेल का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। कांग्रेस कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार अमित खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताकर कांग्रेस नेताओं से मिला था। तकनीकी पृष्ठभूमि के कारण उसे कांग्रेस ने फरवरी में नियुक्त दी थी। हालांकि विवाद सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से एक पत्र जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि सोनी को महज 4 महीने बाद जून में ही पद से हटा दिया गया था। यह बात भी सामने आई थी कि अमित की पत्नी बरखा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के दफ्तर पर अक्सर नजर आती थी। बरखा ने इन नेताओं के स्टाफ से भी अच्छी खासी पहचान कर ली थी, लेकिन अमित बरखा पर लगे तमाम आरोपों को सिरे से नकार कर इसके लिए श्वेता को जिम्मेदार बता रहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस को लेकर कितनी सारी बातें कह रही हैं, ना तो इंदौर परासिया थाने में जो FIR हुई थी उसमें उसका नाम था, ना ही फरियादी उस FIR के थे, हरभजन सिंह द्वारा इसकी शिनाख्त में पहचाना गया। गौरतलब है कि हनी ट्रैप मामले में बार बार जांच टीम बदले जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें मांग की गई है कि केस की जांच सीबीआई या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए। अभी इस मामले में जो भी अधिकारी जांच कर रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है। बार बार अधिकारियों के बदले जाने से गड़बड़ी की आशंका है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मंत्री और विधायकों के बीच सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि अब मंत्री विधायक को गैंग लीडर तक बोल रहे हैं। छतरपुर के बड़ा मलहरा विधानसभा के साथ घुवारा में बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआयना करने आए जिले के प्रभारी और वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने अपने ही विधायक को गैंग का लीडर बोल दिया। बात हंसी मजाक में हुई पर मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है। मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह जब घुवारा से आ रहे थे तो किसी ने उनसे कहा कि आप वहां जा रहे हैं, वहां तो खतरा है। तब ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा, खतरा किस बात का जब हमारे पास गैंग का लीडर कार में बैठा है। मंत्री की इस बात को लेकर सभी सुनने वाले हंस पड़े, लेकिन बाद में लोग सोचते रहे कि मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह ने बड़ा मलहरा के अपने ही पार्टी के विधायक को आखिर गैंग का लीडर क्यों कहा। सीहोर में गैस राहत और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने रेत खनन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिले में या तो रेत माफिया रहेगा या फिर आरिफ अकील, दोनों एक जगह रहें यह संभव नहीं है। आरिफ अकील जिला पंचायत सभा कक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि विगत दिनों जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री आरिफ पर रेत माफिया और खनिज अधिकारी को संरक्षण देने का आरोप लगाया था और उनका पोस्टर शहर के लीसा टॉकेज चौराहे पर रेत में गाड़ दिया था। उसके बाद आरिफ अकील ने कहा था कि ये लोग अधिकारी से पैसे की मांग कर रहे थे, न देने पर इन्होंने खनिज अधिकारी की शिकायत की है। दोनों एक साथ नहीं ले सकते, और रेत माफिया और आरिफ अकील दोनों एक साथ नहीं ले सकते, एक दोनों में से एक को लेना पड़ेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वच्छता और साफ सफाई के विभिन्न मानकों के आधार पर 720 रेलवे स्टेशनों की रैंकिंग की गई है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की
स्टेशन स्वच्छता सर्वे 2019 की स्वच्छता रैंकिंग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन का पहला स्थान है। वहीं पूरे देश में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को सफाई और स्वच्छता के मामले में 13वां स्थान मिला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में दूसरे स्थान पर है, उसे 801 और 301 अंक मिले हैं। हालांकि रायपुर रेलवे स्टेशन ने टॉप 10 रेलवे स्टेशन में 9वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि स्वच्छता की रैंकिंग में 24 स्थान मिला है। राजस्थान रेलवे स्टेशन में स्वच्छता रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है और अपनी एक अलग पहचान पूरे देश में बना ली है। राजनांदगांव व रायपुर स्टेशन को NSG 3 की श्रेणी में रखा गया है। ये असल में एक टीम वर्क है और सभी लोगों ने, जितने यहाँ पे सुपरवाइजर हैं और अधिकारी लोगों का भी गाइडेंस अच्छा रहता है और यहाँ के सफाई कर्मी ने भी बहुत मेहनत की है और लगातार करते रहे, इसी कारण से ये पोजिशन आया है। रेल मंत्रालय की ओर से कराए गए रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण के टॉप 3 स्टेशनों में राजस्थान ने कब्जा जमाया है। देश भर के 720 रेलवे स्टेशनों पर किए गए इस सर्वेक्षण में जयपुर पहले स्थान पर, जोधपुर दूसरे और दुर्गापुरा को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी ने तत्कालीन शिवराज सरकार पर डॉक्टर जे एस नामधारी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। आशीष ने एक नोटशीट का हवाला देते हुए बताया है कि डॉक्टर जे एस नामधारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर गजराजा मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार मेडिसिन विभाग के पद पर पदस्थ है। अब उन्होंने इस पद पर संविलियन का आवेदन दिया है, जबकि इस पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती से ही की जाती थी, लेकिन राजनीतिक रसूख का लाभ लेकर डॉक्टर जे एस नामधारी यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। डीन भरत जैन ने आशीष चतुर्वेदी को नोटिस जारी कर नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। आशीष चतुर्वेदी नोटिस मिलने के बाद GRMC पहुंचे थे। यहां डीन ने आशीष की फर्जीवाड़े के संबंध में जानकारी हासिल की। आईटीआई के बारे में पूछा तो हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ रिपोर्ट किया तो उसमें कुछ कंफ्यूजन था, मेरे को डायरेक्ट दिया नहीं तो इसलिए वो यहाँ। सर नामधारी मूलतः लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के एम्प्लॉई हैं, उनके द्वारा फर्जी तरीके से, चूंकि भाजपा शासनकाल में चूंकि वो संघ से जुड़े हुए संघ के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अपने संबंधों का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री की शक्तियों का दुरुपयोग करा था। छतरपुर में महाराजपुर थाने के मनकारी में एक कलयुगी चाचा ने अपनी सगी दो नाबालिग भतीजियों का 6 महीने तक शारीरिक शोषण किया, लेकिन यह बात उस समय उजागर हुई जब इन नाबालिग बच्चियों ने आंगनबाड़ी में अपने चाचा के कुकर्मों की बात बताई। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद SP ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाराजपुर थाना पुलिस को पीड़ित नाबालिग बच्चियों के पास जांच करने भेजा, तो उन्होंने चाचा के कुकर्मों की पूरी कहानी सुनाई। सगा चाचा है जो उनके साथ में दुष्कर्म करता रहा, उसको भी गिरफ्तार किया गया, प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित बच्चियों की उम्र 9 साल और 12 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी चाचा उमेश अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दो सगी मासूम बच्चियों की मां नहीं है, बच्चियों का पिता मजदूरी का कार्य करता है, इस कारण बच्चियां अपने चाचा के पास रहती थीं। ग्वालियर नगर निगम के सिटी सेंटर स्थित बाल भवन में राजीव आवास योजना की लॉटरी के बाद अचानक मंच पर आई महिलाओं ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। रंगियाना मोहल्ले की लीला जाधव नाम की महिला कुछ महिलाओं के साथ मंच पर आ गई और यहां चप्पलें चलाना शुरू कर दी। महिला ने नेता प्रतिपक्ष कृष्ण राव दीक्षित और आवास के नोडल अधिकारी पवन सिंघल पर पीछे से चप्पल मारी। घटना के बाद मौके पर हंगामा हो गया और फोर्स कॉल करना पड़ी। यहां महिलाओं ने तोड़फोड़ भी की और पर्चियां, लैपटॉप व अन्य सामान फेंक दिया। अफसरों और नेताओं ने लॉटरी न निकलने वाली महिलाओं को काफी समझाया था, लेकिन बात नहीं बनी। नगर निगम की रिपोर्ट पर आरोपी महिला व उसकी साथी महिलाओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा व मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। राजीव आवास योजना के तहत लॉटरी सिस्टम के द्वारा 500 से अधिक मकानों की लॉटरी निकालने की प्रक्रिया चल रही थी और 250 से अधिक मकानों की लॉटरी की प्रक्रिया हो भी गई थी। 5-6 महिलाएं आईं और उन पर अधिकारियों पर हमला चालू कर दिया। हमला के बाद जब मैं पलटा तो मुझ पर भी उनने हमला कर दिया। इस तरह का हमला जो किया है वो निंदनीय है, ऐसी महिलाओं को हमला नहीं करना चाहिए। राजीव आवास योजना का नाम अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, लेकिन यह राजीव आवास योजना के नाम से ही जानी जाती है। इसके तहत उपनगर ग्वालियर में शर्मा फार्म और महलगांव पहाड़ी पर फ्लैटों का निर्माण किया गया था। इन फ्लैटों का ही लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जाता है।
है जिसे पार्षदों की कमेटी अनुशंसित करती है, इसके बाद ही आवंटन होता है। लॉटरी से आवास निकलने के बाद जब लीला जाटव और उसकी साथी महिलाओं की लॉटरी नहीं निकली तो वे भड़क गईं। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ रही एक युवती का पैर फिसल गया। वह ट्रेन से गिरने वाली थी कि कुछ लोगों ने दौड़कर उसे बचा लिया। संतुलन बिगड़ने के कारण वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच आ गई थी। युवती को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। युवती का नाम मुस्कान 19 साल की बताई जा रही है। वह भोपाल के जहांगीराबाद की रहने वाली है। बिलासपुर जाने के लिए ट्रेन के B2 कोच में चढ़ रही थी तभी यह घटना हुई। ये पूरी घटना रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरे में कैद हो गई। उसमें साफ नजर आ रहा है कि धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ती जा रही थी तभी एक लड़की दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन रफ्तार ज्यादा होने के चलते उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। स्टेशन पर खड़े कुछ लोगों ने उसे देखा और ये लोग बिना एक पल गवाए लड़की की तरफ दौड़े और उसे एक झटके में ट्रेन से खींच लिया। इसी दौरान कुछ लोग और भी दौड़े लेकिन लड़की को सकुशल प्लेटफॉर्म पर खींच लिया गया। कमलनाथ सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के सभी पटवारियों को घूसखोर कहने पर प्रदेश के पटवारी खफा हैं। टीकमगढ़ में भी सभी पटवारियों ने तहसील पर इसका विरोध जताया है। टीकमगढ़ में पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष के साथ 300 से ज्यादा पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने तहसील में अपने बस्ते जमा करा दिए हैं और तहसीलदार को जीतू पटवारी के खिलाफ अपना ज्ञापन सौंपा है। पटवारियों की मांग है कि जीतू पटवारी खुले मन से सभी पटवारियों को जिस तरह घूसखोर और बेईमान कहा था उसी तरह उनसे माफी मांगे। जब तक जीतू पटवारी उनसे माफी नहीं मांगेंगे पटवारियों की हड़ताल जारी रहेगी। पटवारियों ने सरकार से वेतनमान बढ़ाने की भी मांग की है। पटवारियों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये आज से हम लोग हड़ताल पे बस्ता रख के जा रहे हैं, ये उसी का पहला स्टेप है। और जब तक माफी नहीं मांगेंगे और ग्रेड पे का हम लोग की जो मांग पूरी नहीं तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल स्टाफ ने अस्पताल में भर्ती एक मरीज को एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दी। अस्पताल प्रबंधन को खबर लगते ही रात में गुपचुप तरीके से इस बोतल को हटा दिया गया ताकि बाहर ये खबर न जा पाए, लेकिन खबर उसके बावजूद बाहर आ गई। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मरीजों के रोग कम होने के बजाय यहाँ बढ़ने का खतरा ज्यादा है। हम आपको दिखा रहे हैं एक्सपायरी डेट की ये बोतल जो रात में भर्ती मरीज को लगाई गई। अस्पताल के इस कारनामे की जानकारी बेचारे उस मरीज को भी नहीं थी। जब आए फोटो खींचने वाले तब हम पूछ भी रहे तो हमसे कुछ नहीं बताया गया। सुबह हमको पता चला तो हम किसको कहें, डॉक्टर का कहें कि सिस्टर को। हम तो अपने हाथ से नहीं चढ़ाएं, वो तो सिस्टर डॉक्टर जो उनको कहेंगे वही करेंगे ना, हम किसको कह सकते हैं। आपके मरीज की जान तो जा सकती है ना अगर एक्सपायरी डेट का बॉर्डर चल जाता। जब हमको पता होगा तभी तो हम बताएंगे किसी को। इस बारे में जिम्मेदार लोग इधर उधर की बातें करते नजर आए। ये पहला मामला नहीं जब संजय गांधी अस्पताल की लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले भी दखल न्यूज ने दवाइयों में हो रही धांधली को दिखाया था। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की शिकायतें कई बार रीवा कलेक्टर और कमिश्नर के पास लोगों द्वारा की जा चुकी हैं, मगर आज तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। ऐसा लगता है प्रशासन यहाँ कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सरकार ये दावा करती आ रही है कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी गई है और पहले से बहुत अच्छी स्थिति में अस्पताल हैं और मरीजों को सच कुछ अस्पताल में मुफ्त मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई। पहले ही दिन इस फिल्म ने 51,60,00,000 रुपए की जोरदार कमाई कर ली। आपको बता दें कि यह केवल हिंदी संस्करण में से आई है। अगर इसमें तमिल और तेलुगु से मिले 1,75,00,000 रुपए भी जोड़ दिए जाएं, तो यह रकम 53,35,00,000 रुपए है। इस बड़ी रकम से इस साल रिलीज हुई 15 खास फिल्में पिछड़ जाएंगी। इन फिल्मों में आर्टिकल 15 जैसी फिल्म भी शामिल है। वॉर जैसी बड़ी ओपनिंग आज तक किसी भी हिंदी फिल्म को नहीं मिली है। इससे पहले बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी। वॉर को 2 अक्टूबर की छुट्टी का फायदा भी हासिल हुआ। 4,000 स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गया। वॉर का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया। उन्होंने ऋतिक के साथ पहले बैंग बैंग बनाई थी। ऋतिक की यह सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। माना जा रहा है कि संडे तक 165,00,000 इसे मिले तो यह 300,00,000 तक जा सकती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।